अपने आप नूं अपसेट करन दी ताकत तुहानूं हर किसी नूं नहीं देनी चाहिए है ना। एक इंसान जो पता नहीं दुनिया के किस कोने च बैठा होया उन्हें कुछ थोड़े फोटो थले लिख दिता ते तुहाडे पूरे मूड का नाश हो गया, ये बिल्कुल गलत है। वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा इंसान थोड़े लिए, तो कॉमेंट भी थोड़े लिए एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। प्यार एग्जिस्ट कर रहा है, यू नो पॉजिटिव साइड नो लो प्लीज़, हर चीज़ की नैगेटिव साइड नो ना लो। किसी ने थोड़े वास्ते बुरा किया तो सोचो उस इंसान के कोल कुछ होर है ही नहीं जिंदगी करन दी कि वो अपना सारा काम छड़ के थोड़े वास्ते बुरा लिख रहा है। मैनू उस इंसान ते तरस आ जाता भी तेरे कोल होर कुछ नहीं लाइफ करन दी। लोगों ते ना डिपेंड रहो अपनी खुशी ते अपने दुख ते। मैं हाँ मैं बहुत मैं नवी जो बॉम्बे गई सी उदो ये खबर आ गई सी कि मेरी ना कार का एक्सीडेंट हो गया। उदो मेरे कोल कार सीगी भी नहीं। फिर मैंने रियलाइज होया भी बॉम्बे दे विच या इस मीडिया दे विच या इस फील्ड दे विच कदी भी कोई भी र्यूमर आ सकदा, तुसी दिल ते नहीं कोई गल। थोड़ा सपना सी, तुसी प्लीज़ अपने सपने अपने आप पूरे करो। मेरा सपना है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, ये बड़ा इनजस्टिस जहा लगता मैनू। प्लीज़ अपने बच्चे नू पूछो कि ओदा की सपना है। थोड़ा बच्चा बेचारा सारी उम्र थोड़े ही सपने पूरे करता रहेगा कि मेरा सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा सपना है मेरा बच्चा ये विह करावे, मेरा सपना है। प्लीज़ आस्क योर किड्स कि उन्हों का सपना की है। एंड फॉर किड्स ऑलसो, थोड़े पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत रीझा नाल पालिया हों, बहुत मेहनत के नाल बहुत प्यार पालिया हों, उन्हां दी भी रिस्पैक्ट करो, उन्हां दे परस्पेक्टिव दे रिस्पैक्ट करो। जो समाज दे विच उन्हां दी इज्जत है तुसीं उन्हां दी, बड़ी टू वे स्ट्रीट है। घरदिआं दा माण वधाओ जे उन्होंने थानू इन्नी आज़ादी दित्ती है भी तुसीं जाओ और एक्सप्लोर करो और काम करो। तुसीं भी कोशिश करो कि किते भी उन्हां दा सिर थल्ले ना होवे, ओह तुहाडे ते फखर ही करन, प्राउड ही करन। एंड फॉर द पेरेंट्स ऑलसो आई वुड से कि प्लीज़ चाहे वह मुंडे ने चाहे कुड़ियां ने, वो जिंदगी जो करना चाहते हैं अपना भरोसा अपनी सपोर्ट उन्होंने नाल रखो, क्योंकि वह बेस है, वह सब तो नींह है उस चीज़ की। यू नो थोड़ा बच्चा जो करना चाहता है प्लीज़ उन्होंने सपोर्ट करो। कहिंदे खिडारी कदी जुबान नाल नहीं हमेशा ही अपनी खेड दे नाल जवाब दिंदा है। ते साडे नाल अज इस इंटरव्यू दे विच खिडारन मौजूद है। फिल्म आ रही है 9 तरीक नूं खिडारी, ते गलबात करदे आ सुरभी ज्योति मौजूद। सुरभी ज्योति साडे नाल इस इंटरव्यू दे विच मौजूद है। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल, की हाल चाल? बहुत वधिया, तुहाडा किवें? बहुत वधिया, असीं बहुत टाइम तों वेट कर रहे सी, मैं कहा फाइनली हुण सानूं वी मौका मिले तुहाडे नाल गल करन दा। मैं वी वेट कर रही सी कि मैनूं तुहाडे नाल गल करन दा कदों मौका मिलेगा। जी फाइनली खिडारी आ रही है 9 तरीक नूं, असीं तुहानूं सिनेमा घरां दे विच देखांगे। वैसे तां असीं तुहानूं बहुत टाइम तों देखदे आ रहे हां, तुहाडे जिन्ने वी शोज़ हुण तक आए हैं ना। थैंक यू। मतलब हर किसी दा सपना हुंदा है इत्थे तक पहुंचना, ते उहदे पिछे दी जिहड़ी मेहनत लगी हुंदी है उही जाणदा है जिस इंसान ने कीती ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਟਰਗਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ। ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਸੁਰਭੀ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਟਸ ਮਾਈ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਰਭੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਮਲੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਲੱਲੋ ਚੱਪੋ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ
अगैन जिथे वह मेरी करम भूमि है ना, मैं एक्टिंग करने से मज़ा आता है, तो उत्थे भी बहुत बहुत प्रोफेसनलिजम है। तो जे तुम जो कर रहे हो करन च खुश हो, तो जे तुम सब तो खूबसूरत जगह जी भी हो, जो तुम अपने घर च भी हो, तो जो तुम कर रहे हो मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर तुम उत्थे भी खुश नहीं रह सकते। थोड़ी खुशी निर्भर करती है भी तुम कर की रहे हो। बिल्कुल, तो ये सुरभी ने उही किया जो उन्होंने शुरू तो पसंद सीगा, तो अज ता ही सारे दे सामने हो। अच्छा सुरभी, मतलब जो तो आप एक लंबा स्ट्रगल करते हैं इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, जड़ी मेहनत करते हैं, कितने ना कितने स्ट्रेंथ साड़ी फैमिली वालों सानू बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी है, ताड़ी फैमिली वालों तुम्हें पूरी सपोर्ट सी है ना, लेकिन कितने ना कितने एक पॉइंट ताड़े पेरेंट्स वालों तुम्हें इदा कहा गया कि हाँ नहीं तू छड़ कुछ होर कर लै, या हमेशा सपोर्टिव ही रहे हैं? वो सपोर्टिव ही रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी कुछ किया वो वधिया ही सी। लकी मैं इतने डेस्टिनी नूं कहूँगी, परमात्मा की मेहर कहूँगी, कि बहुत वारी इस तरह होंदा कि हर इंसान मेहनत करता बट कामयाबी शायद हर किसी नूं नहीं मिलती। मैं जिन्ना थैंक यू कहां उस रब का और अपने फैनस का, जिन्होंने मैं जो कर दी हूँ इन्ना प्यार करते हैं मेरे कैरेक्टर्स नूं, मेरे काम नूं, उहदे लई एंडलैस थैंक्स है थानू सारिआं नूं, कि थोड़ी वजह दे नाल, थोड़ी प्यार की वजह दे नाल मैं अज भी वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, तुसी पहला भी पंजाबी इंडस्ट्री दे विच काम किया हुण फिर कर रहे हो, जो असी किसी इंडस्ट्री लई इंडस्ट्री दे विच सर्टन टाइम दे लई नहीं जाते, हुण तुसी बॉम्बे बिजी सीगे अपने प्रोजेक्ट दे विच, वापस आए, एक कमबैक दा टैग लग जांदा सुरभी दा कमबैक हो गया पंजाबी इंडस्ट्री च, उसनों तुसी किस तरह देखते हो, तुहानू सही लगता है मतलब कि अगर कोई? हाँ मैनू यार, मैनू ऑनेस्टली दीक्षा इदा लगता भी तुसी जो कहना, तुसी डेब्यू कहना, तुसी कमबैक कहना, तुसी होमकमिंग कहना, तुसी घर वापसी, तुसी जो कहना कह दो, मैं काम कर रही सी, मैं काम कर रही हाँ, तो ये थोड़ा प्यार देन दा तरीका है, तुसी जिस तरीके नाल भी देना, क्योंकि सारे तरह इन्ना ज्यादा वार्म वेलकम कर रहे हैं, ठीक है, गुरु नाम दे नाल काम कीता है, हुण होर भी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई, सारे इन्ने ज्यादा एक्साइटेड है ट्रेलर देखन तो बाद कि सुरभी वाओ, क्योंकि इन्ना टाइम उत्थे रह के हिंदी बोल के कितने कितने सारे नु डाइसी हो जांदा, अच्छा फिर पंजाबी प्रॉपर बोल पाई कि नहीं हो रहा, मैनू नहीं पता, मेरी मां बोली, मेरी मदर टंग जिहड़ी फर्स्ट लैंग्वेज मैं जिंदगी च सिखी सी, ओह पंजाबी, मैं पंजाबण आ, ते इस करके तुसी अपने इंस्टा ते भी लिखिया पंजाबण? बिल्कुल, मैं इसी करके लिखा, बिकॉज शायद मेरा नाम भी कोई टिपिकल पंजाबी नेम नहीं है जी। और क्योंकि मेरी हिंदी भी साफ है, तो उन्होंने लगता भी इनू तो कितने आँदी होनी पंजाबी, बट नहीं, पंजाबी मेरी माँ बोली है, मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मैं पंजाबी ही गल करती हाँ, मैं सिर्फ जिहड़ियां लाइनज़ होंदियां ने या जिन अगले बंदे नूं जे पंजाबी नहीं आती तो मैं शायद इंग्लिश या हिंदी च गल करती हाँ, बट मेरा कंफर्ट जोन जिहड़ा है वह पंजाबी है। मैं लगता बहुत सारे ऐसे पंजाबी है जो हम बॉलीवुड के भी राज कर रहे हैं, चाहे वह कॉमेडी लाइन हो, कपिल हो, भारती हो, अच्छा उन्होंने नाल मिलते हो? जी बी, बिकॉज कपिल सर होनी तो सू सिखा ही आते हैं। हाँ यस यस, मैं थिएटर सू ही करवा आते होंगे, ही वॉज आर सीनियर, भारती वॉज आर सीनियर, तो मैं जो नवी नवी कॉलेज गई तो वो आई थिंक देवर इन देर लास्ट ईयरस, तो बहुत मज़ा आता से उन्होंने नाल भी ट्रैवल करके, काम तो नहीं किया बिकॉज वो मेरे तो व्डे से, बट दे ऑल आर वेरी वेरी टैलेंटेड। अच्छा उन्होंने को सीख के हूँ जो बॉम्बे किसी ने किसी इवेंट के विच तो मुलाकात होंदी है, तुहाडी सी फोटोज देखदे आ ना, ते उदो ओ गल्लां बातें याद करदे हो, पुरानी थ्रोबैक जिहड़ी मैमरीज होंदी और रिकॉल होंदियां? हां बिल्कुल, पर मैनूं इदां लगदा वी जदों तुसीं जर्नी ते तुर पैंदे हो नवीआं वी मैमरीज बणदियां ने, ते ओह वी इंजॉय करदे आ वी अज हर कोई वधिया काम कर रिहा, हर कोई उस मुकाम ते मान वी महसूस होंदा है। जी बिल्कुल जी, जिवें कि मैं स्टार्टिंग दे विच कहा कि खिडारी ना अपनी जुबान नाल नहीं अपने खेड दे नाल जवाब दिंदा, ते इह खिडारन किद्दां जवाब दे रही है सानूं? यार ये तो बेचारी जुबान नाल भी बहुत बोल रही है, जब वो कह रहे हैं कि अलाउड नहीं, तो वो कह रही मैं मुच्छा रख ला, वो कैरेक्टर ही थोड़ा बिंदास जहा है, वो गेम दे विच भी जिहड़ा अमृत दा कैरेक्टर है वो काफ़ी बिंदास है, काफ़ी बोल्ड है, और परसनली भी उन्होंने जो ठीक लगता वो बोलती है, अपने थॉट्स रखती है सामने, तो जो जिंदगी चुनन की वारी आती है वो किसनों चुनती है, ये तुसी फिल्म च देखियो, बिकॉज असी पूरी कोशिश की है भी जस्टिस होवे उस कैरेक्टर दे नाल, थानू ये ना लगे भी इदा तो नहीं हुंदा। जी अच्छा, रियल च सुरभी ने कभी इदा सोचा कि मैंने जुबान नाल नहीं अपने काम दे नाल जवाब देना है? कुछ टिप्स देना चाहते हो जो स्टाइल फैशन फिटनेस इन ज्यादा फैन है? मैनू मैं सब तो पहले तो कहूंगी कि थोड़ा जिहा डिसिप्लिन लाइफ दे विच बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस चीज़ का ये नाल कोई लेना देना नहीं कि एक्टर हाँ तो फिट होना चाहिए, फिटनेस थोड़ा लाइफ स्टाइल होना चाहिए,
वो बहुत जरूरी है। जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हो प्लीज़ उन्होंने कंटिन्यू करो। कोई ना कोई शौक, कोई ना कोई हॉबी होना बहुत जरूरी है। बाकी तुम जो करो दिल नाल करो, पूरी ईमानदारी दे नाल करो, काम करन दा फिर उदो ही मजा आएगा। अबाउट स्टाइल आई वुड से ओ पाओ जिस तुम कंफर्टेबल हो, और घरद्या का माण बधाओ जे उन्होंने थानू इन्नी आज़ादी दिती है भी तुम जाओ और एक्सप्लोर करो और काम करो। तुम भी कोशिश करो कि कितने भी उन्होंने उन्होंने सिर थले ना हो, थोड़े ते फखर ही करन, प्राउड ही करन। एंड फॉर द पेरेंट्स ऑलसो आई वुड से कि प्लीज़, चाहे वह मुंडे ने चाहे कुड़िया ने, वो जिंदगी जो करना चाहते ने, अपना भरोसा अपनी सपोर्ट उन्होंने नाल रखो, क्योंकि वो बेस है, वो सब तो नी है उस चीज़ की। यूनो थोड़ा बच्चा जो करना चाहता है तुसी प्लीज़ उन्होंने सपोर्ट करो। जी जिमें कि तुसी क्या ना डिसिप्लिन या जिहड़ी साडी नी हुंदी है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए है। लेकिन अज भी तुहानू लगता कितना ना कितने अजिहे पेरेंट्स है जिहड़े अगर बच्चा कोई अपने पसंद का करियर चुनता है, उन्हें जिदा कई पेरेंट्स का सपना साडा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक्टर बने, बट बच्चे की कुछ अपनी ख्वाहिश होंदी है, उन्होंने ना पूरा करन दी बजाय उन्होंने अपने जिहड़े शौक है वो उहदे ते अप्लाई किए जाते, तुसी इहनू करो, तो वो फिर बच्चा नहीं उन्हें सही तरीके दे नाल फॉलो कर पाता, तो उन्होंने पेरेंट्स लई तुसी की कहना चाहते हो? यार मैं एक्चुअली कोई नहीं हुंदी किसी के पेरेंट्स नूं कुछ सजेस्ट करन लई, पर मैनूं यह सिचुएशन अपने आप च बहुत सैड और बुरी लगती है कि किसी इंसान नूं आज़ादी नहीं है वो करन दी जो करना चाहता है ना। क्योंकि जो तुम किसी चीज़ से थोड़ा मन है तुम वो करोगे, तुम ओबवियसली वधिया करोगे, ईमानदारी नाल मेहनत करोगे। थोड़ा सपना सी, तुम प्लीज़ अपने सपने अपने आप पूरे करो। मेरा सपना है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, ये बड़ा इनजस्टिस जहा लगता है मैनू। प्लीज़ अपने बच्चे को पूछो कि ओदा की सपना है। थोड़ा बच्चा बेचारा सारी उम्र थोड़े ही सपने पूरे करता रहेगा कि मेरा सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा सपना है मेरा बच्चा ये व्याह करावे, मेरा सपना है। प्लीज़ आस्क योर किड्स कि उन्होंने सपना की है। एंड फॉर किड्स ऑलसो, थोड़े पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत रीझा पालिया हों, बहुत मेहनत के बहुत प्यार पालिया हों, उन्होंने भी रिस्पैक्ट करो, उन्होंने परस्पैक्टिव भी रिस्पैक्ट करो, जो समाज के उन्होंने इज्जत है तुम उन्होंने। बड़ी टू वे स्ट्रीट है, मैं सिर्फ यही कह सकती कि अपने बच्चों जो उन्होंने मन है वो करन दो।